बहुत सॉरी। तो गाइस फाइनली अभी रिवील हो गया है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी फैमिली में एक नया मेंबर ऐड होने वाला है हमेशा के लिए। और डेफिनेटली आज का ये स्पेशल मोमेंट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने आज ग्रे पहना है, और आज मम्मी पापा मेरी बहन और मेरे मामा सब ने ग्रे पहना है। वो क्यों पहना है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ऑल्सो मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस डाले हैं, जिस उसमें से कुछ फनी वीडियोस हैं, कुछ मेरे मिनी ब्लॉग्स हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखना। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं। तो 11:30-12 बजे तक ही उन्होंने हमें बुलाया था, और हमारे कुछ और रिलेटिव्स है वो डायरेक्टली वहाँ शोरूम पे आने वाले। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बस मुझे ना एक बात का डर है कि आज बारिश का थोड़ा थोड़ा मौसम है। रोज़ तो पता नहीं धूप गिर रही थी, लेकिन आज बारिश हो रही है। बट लेट्स सी, थोड़ी देर के लिए ठीक है, हो भी जाए तो क्या ही बुरा है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर बारिश हो गई तो थोड़ा सा अंदर शूट करना पड़ेगा, बाहर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन लेट्स सी कैसे होता है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय ग्रे ब्लैक एंड ग्रे। तो दर्शकों, अभी आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि हम आए हैं कार के शोरूम में ख़रीदने के लिए एक नई कार। तो बहुत समय से हम सोच रहे थे कि हमें नई कार ख़रीदनी है, तो हम लोग फाइनली वो दिन आ चुका है। और कार कौन सी है ये देखने के लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हमने ली है टाटा एल्ट्रॉज, और वो हमने ली है एमपी मोटो शोरूम से, जो पीसीएमसी यानी कि पिंपरी चिंचवड़ पुणे में जो नया शोरूम खोला है वहाँ पे हमने ये नई कार ली। और ये है यहाँ का स्टाफ जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, एंड लकीली हमें ना गाड़ी बहुत जल्दी मिल गई। तो गाइस फाइनली अभी रिवील हो गया है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये है हमारी नई कार टाटा एल्ट्रॉज, और डार्क ग्रे कलर की, इसीलिए हम लोगों ने ग्रे पहना था। यार कार से शेड मैच नहीं हुआ, बट ठीक है, ग्रे ग्रे चलता है। और अभी शायद आई थिंक ये लोग डेमो ड्राइव पे जा रहे हैं, वो जो भैया है वो डेमो के लिए लेके जा रहे हैं। ये लोग अभी डेमो के लिए जा रहे हैं, तो जब आएंगे फिर हम लोग घर पे जाके पूजा करेंगे, फिर पेड़े भी बांटेंगे, लंच पे भी जाएंगे। तो मैं पूरी गाड़ी का लुक भी आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा रश है तो थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तो यस, बट आई एम वेरी 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 हैप्पी कि हमें जैसी गाड़ी चाहिए थी बिल्कुल वैसी मिली। बहुत सारी गाड़ियां हमने देखी, बट कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स होते थे, कुछ नहीं होते थे। ये काफ़ी अच्छी गाड़ी मिली है, ये हमारी पेट्रोल प्लस सीएनजी है। एक पोल्यूशन के लिए भी थोड़ा सा, यू नो, पोल्यूशन बहुत बहुत होता है आजकल, तो उसमें भी थोड़ा सा हमारा एनवायरमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सीएनजी खरीदी है। और इसकी खासियत ये कि यूजुअली ना गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ा पेट्रोल लगता है, बट इसमें सीएनजी पे ही स्टार्ट होती है, तो पेट्रोल की वैसे ज़रूरत नहीं है जब तक सीएनजी ख़त्म ना हो जाए। तो जो यहाँ का स्टाफ है और जो हमारे साथ आया है, सबको मैंने स्वीट्स यानी कि पेढ़े बांटे। पेढ़े बांटने की एक और अलग ही खुशी होती है, यू नो, जब कभी, मुझे याद है जब मैं 10th पास हुआ था, 12th पास हुआ था, मुझे अच्छे परसेंटेज आए थे, 81 और 85%। तो ये स्वीट्स बांटने की खुशी बहुत अलग होती है। तो गाइज मैं आपको एक बार गाड़ी का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। गाड़ी का कलर है डार्क ग्रे, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। एक्चुअली हमें ब्लैक कलर चाहिए था, बट वो अवेलेबल नहीं था इस मॉडल में, तो हमने डार्क ग्रे लिया। लेकिन ये वाला कलर तो ब्लैक से भी ज़्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर इसके जो डोर्स है वो पूरे 90 डिग्री ओपन होते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो गुड फीचर। इस पर सनरूफ भी है, पेट्रोल प्लस सीएनजी है ये कार, और इसमें बाकी के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे डिस्प्ले हो गया, वॉइस कमांड हो गया। तो सीरियसली यार, हम वी आर वेरी लकी कि हमें बहुत ही बढ़िया कार मिली है।
दर्शकों, मैं आ गया हूँ वापस घर, और अभी मतलब मैं पहले आ गया, पापा अभी गाड़ी लेके आते ही होंगे, फिर अभी हम लोग जो हमारे कुछ नेबर्स हैं उन्हें बुलाएंगे, फिर गाड़ी की फिर से एक बार पूजा करेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी जल्दी जल्दी में हो गई थी तो ठीक से करनी है, और यस उसके बाद फिर लंच के लिए भी जाएंगे। पापा तुम्ही पण थांबा तिकडे, मम्मी तो पापा मागून थांबा साईडला, त्या साईडला। मैं ना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सनरूफ को लेके था, और मुझे टेंशन था कि मैं उसमें से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं आराम से निकल गया। अब वेट कर रहा हूँ कि कब हम लोग घूमने जाएंगे। ये बारी 90 डिग्री। कैसी वाटली गाड़ी? तो गाइज अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी गाड़ी की पूजा भी हो गई है और सब कुछ हो गया है, तो अभी ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग लंच करने के लिए आए, अब लंच करेंगे। उसे अभी गणपति भी 2 दिन पे आ गए, तो उसकी भी तैयारी शुरू करनी है, तो अब घर पे जाके कपड़े बदल के अभी वो अगला टास्क होगा, उसके भी वीडियोज आपको अभी रेगुलर अपडेट मिलेंगे, तो कम ऑन। ओके आराध्य, तुमने न्यू कार देखी? हाँ, क्या नाम है कार का, कौन से मॉडल है, कौन से कंपनी की है? कलर क्या है गाड़ी का? ग्रे। नाइस। तो स्टार्टर में हमने ऑर्डर किया है पनीर चिली, जो यहाँ का ना इस होटल का ऐसा है कि स्टार्टर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, एंड यू नो इट वाज डिलीशियस। पापा, वन फीचर दैट यू लाइक्ड अबाउट द कार? ऑल फीचर्स। वन फीचर? मेक टाटा मोटर्स। ओके, मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया। One feature that you liked about the car? Voice command. Voice command. Okay. Indian manufacturer, Tata. Okay. Let's go. Mami, sanga. 5-star safety. 5-star safety. Yes. Tata ki safety bahut achhi hai. Ha? Sunroof. Sunroof. One thing that you liked. Display. Mami. Color. Color. Okay. तो मुझे अच्छा लगा सबसे ज़्यादा सनरूफ, कलर, और उसके साथ में जो एक एडजस्टेबल सीट है वो, क्योंकि कभी कभी ड्राइविंग करते वक्त आगे वाला दिखता नहीं है, तो आई लाइक द एडजस्टेबल सीट द मोस्ट, एंड ऑफ कोर्स द वॉइस कमांड आल्सो, और रियर कैमरा जो पीछे लगा हुआ है वो ट्रैफिक में बहुत मदद करेगा। जो भाई जो। तो दर्शकों, आज का वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ। आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही मेमोरेबल था, जो हमेशा याद रहेगा। जब कभी हम नया घर नई गाड़ी लेते हैं तो वो दिन हमें हमेशा याद रहता है। जो हमारी पहली कार थी जो हमने 2014 में खरीदी थी, वो वाला दिन भी हमें याद है, तो उसमें ये एक मेमोरी और जुड़ गई है। तो मैंने आपको बोला था कि हमें गाड़ी लेके मंदिर जाना है और लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है, वो प्लान अभी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, ज़रूर होगा और मैं आप सबके साथ शेयर भी करूंगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि गणपति बापा का आगमन होने वाला है, गणपति अब 2 दिन पे आ गए हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है।
एक्चुअली मेरी बहन ने और मेरी मम्मी ने बहुत ही वंडरफुल आइडिया गणपति डेकोरेशन के लिए सेलेक्ट किया है और डेकोरेशन का, और वो क्या है ये आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड बाय बाय।